सब्सक्राइब कीजिए कुक विद हानी को और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बटर चिकन पिज़्ज़ा। तो पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे और इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो बोनलेस चिकन, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, आधा टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टी स्पून गरम मसाला पाउडर, एक टी स्पून ग्रिल मसाला। ये ऑप्शनल है मगर डालने से अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन में थोड़ा सा धनिया पत्ता और हरी मिर्च डाल के पीस लिया है, थोड़ा सा बटर लिया है और उसको मेल्ट कर लिया है। 1 टीस्पून दही लेंगे। चलिए अब हम मैरिनेशन करते हैं। एक बाउल में चिकन लिया है, दही ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, ग्रिल मसाला ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर, मेल्ट किया हुआ बटर ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है, अब हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। एक पैन लेंगे, थोड़ा सा बटर डालेंगे, अच्छे से मेल्ट होने तक वेट करेंगे। अब हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हमें अच्छे से रोस्ट होने तक पकाना है। ये देखिए हमारा चिकन कितने अच्छे से रोस्ट हो गया है। चलिए अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। एक प्याज कटा हुआ, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ कप फुल क्रीम, 50 ग्राम बटर, 10 से 12 काजू, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून रोस्टेड कसूरी मेथी, 2 बड़े टमाटर, आप चाहे तो 3 टमाटर भी ले सकते हैं, और थोड़ा धनिया पत्ता। पहले हम टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक पैन लेंगे और थोड़ा बटर डालेंगे। बटर को मेल्ट होने के बाद काजू ऐड करेंगे। काजू को थोड़ी देर बटर में हम रोस्ट कर लेंगे। अब हम प्याज डालेंगे। और टमाटर डालेंगे। और थोड़ी देर तक इसको पकाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे टमाटर नरम हो चुके हैं। इसको हम थोड़ी देर ठंडे के लिए छोड़ेंगे। अब हम इसको एक ब्लेंडिंग जार में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एक पैन लेंगे और थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। बटर मेल्ट होने के बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और धनिया पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर,
और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम बनाया हुआ टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। अब हम रोस्ट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। क्रीम ऐड करेंगे और रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे टमाटो केचप को बताने भूल गया था, सॉरी। मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ। थोड़ा बटर ऐड करेंगे और थोड़ा धनिया पत्ता ऐड करेंगे। और लिड बंद करके हम इसको 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। अब हमारा बटर चिकन बनके तैयार है। चलिए अब हम पिज्जा बनाते हैं। मैंने यहाँ पे रेडी पिज्जा डे लिया है और थोड़ा सा मोज़रेला चीज। पहले हम ग्रेवी ऐड करेंगे। ग्रेवी को अच्छे से लगा लेंगे। अब हम ग्रेटेड चीज ऐड करेंगे। अब हम चिकन ऐड करेंगे। अब हम ग्रेटेड चीज ऐड करेंगे। और थोड़ा धनिया पत्ता ऐड करेंगे। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। मैंने यहाँ पे ओवन को आधा घंटा पहले ही प्रीहीट कर लिया है। करीब हम इसको 10 से 15 मिनट तक पकाना है। और आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो।